नमस्कार दोस्तों, माही डीटीएच चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको इस वीडियो में इस टूटी गई एलएनबी को चेंज करके सिग्नल कैसे सेट करते हैं वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों एलएनबी टूट गई है, इसीलिए हमें एलएनबी को चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हमें इस एलएनबी क्लैंप का जो नट है वो हमें लूज कर देना है ताकि एलएनबी को हम निकल सके। और दोस्तों हमें नया एलएनबी है वो लगा देना है ताकि हम अच्छी तरह से डिस्क का सिग्नल सेट कर सके। तो दोस्तों देखो ये मैंने लगा दिया है। सबसे पहले हमें सर्विस केबल लेकर हमें एलएनबी पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। और दूसरा हिस्सा है वो मैंने सैटेलाइट फाइंडर में कनेक्ट करके रखा है। और दोस्तों सबसे पहले हमें इस एलएनबी की स्क्रू एंगल सेट कर लेनी है। तो दोस्तों हर डीटीएच की एलएनबी स्क्रू एंगल अलग अलग होती है। तो दोस्तों देखो मैंने डीडी फ्री डिस्क की एलएनबी स्क्रू एंगल -25 पे सेट कर दी है। तो हमें डिस्क को हल्के हल्के अप डाउन करके राइट की ओर घुमाना है ताकि हम सिग्नल मिल सके। तो दोस्तों देखो ये मैं सिग्नल मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और दोस्तों जहाँ हमारा सिग्नल मिले वहाँ डिस्क को रोक कर हमें फिट कर देना है ताकि डिस्क वापस हिल ना जाए। तो दोस्तों देखो ये हमारा सिग्नल यहाँ मिल गया है और आप देख सकते हो। दोस्तों इसी तरह हमें एलएनबी को चेंज कर देना है और इस डिस्क का एजिमथ वाला नट है वो टाइट कर लेना है और एलिवेशन वाला वो भी नट हमें टाइट कर देना है ताकि डिस हमारी वापस हिल ना जाए। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।